तो है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं हूँ हड़गा में। तो यहाँ से जो शिरवे गुड्डा की जर्नी स्टार्ट होती है, तो आज हम जा रहे हैं शिरवे गुड्डा। तो वहाँ पे शिरवे गुड्डा पे जतरा है, तो हर साल वहाँ पे 16 तारीख को जनवरी में जतरा आयोजित की जाती है। तो फिलहाल के लिए ये फेरी से जा रहे हैं। तो हड़गा से फेरी यहाँ से शॉर्टकट है, तो उस साइड में शिरवे वो विलेज है, वहाँ पे जाएंगे। तो देवल मक्की एरिया है, तो आप है पहले तो कारवार में। तो कारवार एरिया में ये जो यहाँ पे व्यू देख रहे हैं, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो मैं आगे आगे बताता ही जाऊँगा। ऑलरेडी मेरा एक वीडियो शिरवे गुड्डा का मैंने एक बनाया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। तो फर्स्ट थिंग तो अभी फिलहाल मैं फेरी में जाता हूँ और वेट करेंगे रे। सो फिलहाल के लिए फेरी फुल हो चुकी है, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बाद में फिर से फेरी आने के बाद जाएंगे। तो हम तो जतरा है वहाँ पे भगवान सिद्धरामेश्वर बसवेश्वर, इनके जो शिव का एक रूप है, उनके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। बाद में जो गुड्डा जो दो पोर्शन में डिवाइड है, जैसे कि पहले हाफ में टेम्पल है और दूसरे हाफ में जो पिक पॉइंट है, वहाँ पर जाने के बाद नंदी भगवान इनके दर्शन होंगे। तो वो सब जितना हो सके शूट में आपको करके दिखाने की कोशिश करूँगा, तो वो बाद में देखते हैं। सो गाइज, ये चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसी के साथ लाइक और कमेंट भी कीजिए। और यहाँ से हम अभी फेरी से जाएंगे और आगे जाने के बाद वहाँ पे खाना जो प्रसाद के रूप में मिलेगा, वो खाना खा के हम अगली जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पर जितना हो सके अच्छा व्यू निकालने के लिए ट्राई करता हूँ, वो देखिए। तो चलिए, तो गाइस फाइनली हम फेरी में बैठ चुके हैं। तो यहाँ से जो अभी जर्नी को स्टार्ट हुई है इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ, तो अभी शाम के बज रहे हैं, लगभग 6:30 बजने वाले हैं। तो यहाँ से आगे कितना टाइम लगेगा वो बाद में देखेंगे। तो रात को मुझे यहाँ पे क्या शूट करने को मिलेगा वो देखूँगा ही। तो हम पहुँचेंगे लगभग वहाँ पे जो नीचे शिरवे गुड्डा के जो नीचे का पोर्शन है, वहाँ पे 7 बजे तक आई थिंक, तो वो देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जर्नी इंजॉय कीजिए। यहाँ पे हम प्रसाद के रूप में खाना लेंगे, यहाँ पे हम पहुँचे। तो ये है घर, तो बीच रास्ते में मिलेगा। सो अभी फिलहाल के लिए सब लोग खाने के लिए बैठे हैं, तो आपको दिखाता हूँ इस एरिया का थोड़ा व्यू, और बाद में हम निकल जाएंगे शिरवे गुड्डा के लिए। यहाँ पे हम अभी रुके हैं, तो ये है यहाँ का व्यू। और जैसे कि यहाँ पे सब लोग खाने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पे दत्तानंद नाई, यहाँ पे उनके रिलेटिव्स, और यहाँ पे चंदन, नरेश और मैं भी यहाँ पे अभी बैठने जा रहा हूँ। अभी हमने खाना खाया, ये नाइक फैमिली के यहाँ पे अभी खाना खाया हमने। सो गाइस, यहाँ से निकल रहे हैं हम अभी शिरवे गुड्डा के लिए। तो चलिए निकलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। यहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो चुका है, तो फिलहाल के लिए हम जो एंट्रेंस है वहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पे भगवान का एक टेम्पल है, तो आगे जाके देखता हूँ मैं, थोड़ा बहुत शूट लेता हूँ और बाद में हम निकल जाएंगे शिरवे गुड्डा के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं आगे जाता हूँ और एक छोटा सा शूट लेता हूँ। तो टेम्पल का नाम मुझे अभी फ़िलहाल के लिए मालूम नहीं है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पालकी है, हिज पालकी वही था अनिता है। यहाँ पे जो पालकी आप देख सकते हैं, यही पालकी वहाँ पे शिरवे गुड्डा टेम्पल है वहाँ पे लेके जाएंगे, तो वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ से मैं आपको एक शूट दिखाता हूँ। तो ऐसा ये टेम्पल है एंट्रेंस के यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइटिंग की गई है
और चलिए अभी अंधेरा तो हुआ है, तो चंदन, नरेश और दत्तानंद नाइक, तो इनकी वजह से मैं लास्ट टाइम यहाँ पे पहुँचा था और इस बार भी इनके साथ ही आया हूँ। चलिए ये एंट्रेंस देख लीजिए, तो इस एंट्रेंस से हम जाएंगे, तो आगे देख सकते हैं फुल अंधेरा, तो थोड़े बहुत बाइक्स यहाँ पे पार्क की है, यहाँ पे बैठने के लिए भी बेंचेस है। तो यहाँ पे वेलकम शिरवे मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो फिलहाल के लिए ये घना जंगल, उसमें बहुत ही अंधेरा, बीच रास्ते में शेर देवता मीन्स बाघ और नंदी देवता इनकी प्रतिमा है। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे, तो पूरा अंधेरा है यहाँ पे, तो चलिए निकलते। सो गाइस लगभग 45 मिनट्स की जो ट्रैकिंग करके हम पहुँचे टेंपल एरिया में, तो यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाना होगा तो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और गाइस यहाँ पे टॉयलेट की अरेंजमेंट भी है। सो यहाँ से अभी आगे जाएंगे, पानी की अरेंजमेंट भी है। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे स्टॉल भी है छोटे छोटे, तो वहाँ पे एक स्टेज है, यहाँ पे आज कन्नड़ा लैंग्वेज में एक नाटक होगा, ड्रामा होगा। तो यहाँ पे लोग बहुत सारे ऑलरेडी अपने प्लेस बुक करके बैठे हैं, और वहाँ पे टेम्पल है, तो देखेंगे बाद में दर्शन लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बहुत टायर्ड हो चुके हैं, और ये स्ट्रांग मैन जो बहुत ही हर साल यहाँ पे आते हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला। तो यहाँ का जितना हो सके अच्छा एक व्यू शूट करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे, लेडीज, और ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट टाइम अराउंड 3 इयर्स के पहले मैं यहाँ पे आया था। चंदन कैसे लग रहा है? मस्त, इसकी हालत देख सकते हैं, तो अभी बहुत टायर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ से सुबह हम निकलेंगे, और एक जो शिरवे गुड्डा का पीक है जो टॉप साइड है, तो वहाँ पे नंदी भगवान इनकी पूजा होती है। देखता हूँ यहाँ पे और क्या एक्टिविटीज़ करने को मिलते हैं, दर्शन तो बाद में लेंगे ही। तो यहाँ पे अभी रात को स्टे है हमारा, तो अभी फ़िलहाल के लिए 8:10 हो चुकी है। स्टे ट्यून, और भी आगे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए। सो गाइस अभी यहाँ पे हम टेम्पल में दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये सोहम मेरे साथ मीन्स इनके साथ में आया था, तभी छोटा था, अभी बहुत बड़ा हुआ, 2 साल का था, अभी 7 साल है, तो अभी 7 साल है। फर्स्ट मैं अंदर जाता हूँ, तो चलिए दर्शन लेते। सो गाइस चलिए टेंपल के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या एग्जैक्टली बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं अंदर। तो सिद्ध रामेश्वर बसवेश्वर प्रसन्न यहाँ पे लिखा गया है, तो चलिए अंदर जाते हैं। Thank you.
ಹಕ್ಕದಾರರು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಡೆ ಪಡಿತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಕ್ಕದಾರರು ಮೀರಾಶಿ ಗಾಂಬರುಗಳು ಗುರುಗಳು ಮೀರಾಶಿ तो गाइस फाइनली जैसे कि दर्शन के लिए मैं गया था टेंपल में, तो वहाँ से दर्शन भी हुआ और जितना हो सके उतना मैंने शूट किया. बाद में जैसे ही पालकी नीचे से टेंपल के तरफ आ रही थी तो मैंने वो भी शूट कर ली, और बाद में फर्स्ट पूजा थी वो भी शूट कर ली. तो जितना हो सके यहाँ पे मैंने शूट किया और फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे हम फ्रेंड सर्कल यहाँ पे बैठे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर. और जैसे कि यहाँ पे जो मन में भक्ति लेके श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो उनका भी एक्सपीरियंस हम जानेंगे. जैसे कि मैं यहाँ पे 3-4 साल पहले आया था और फिर से एक बार यहाँ पे पहुँचा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. और जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने यहाँ की स्टोरी बहुत सारे लोगों से सुनी है और जितना हो सके मैं बाद में आपको बताऊँगा ही. जैसे कि यहाँ से सुबह हम जाने वाले हैं टॉप पीक पे जो कि है शेरवे गुड्डा का, जहाँ पे नंदी भगवान इनकी पूजा होगी और वहाँ पे एक जोत जलाई जाएगी जैसे कि प्रज्वलित की जाएगी. तो वहाँ पे तो सुबह का प्रोग्राम होगा. तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि फायर कैंप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट करके यहाँ पे अभी बैठे हैं. तो अभी देखूंगा यहाँ पे और क्या शूट करने को मिलता है. फिलहाल तो यहाँ पे अभी एक थोड़ी देर में कन्नड़ा जो नाटक होगा वो लोग देखेंगे. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस जो कि बहुत सालों से यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिनका नाम दिलीप बाबू ने. तो ये आज यहाँ पे हमें इस एरिया की स्टोरी सुनाएंगे, तो वो सुनते हैं. चलिए. सबको नमस्कार, मैं दिलीप नायक यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर से ग्राम से आ रहा हूँ. मैं इस जगह पे मेरा चौथी बार मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ. ये तो एक बहुत श्रद्धा का स्थल है. इसका महिमा ऐसा है कि यहाँ से सुबह सुबह एक जोत लेके यहाँ पे जो पुजारी लोग हैं ऊपर शिखर पे जाते हैं और वहाँ पे उसका पूजा विधि करके वहाँ पे एक नंदी का एक मूर्ति है और छोटा सा एक शिवलिंग है और बहुत टेकड़ी पे है. और वहाँ जाने के लिए 2 सीढ़ियाँ लगती है. पहले उस सीढ़ी को तो पास के सीढ़ी होती थी, बहुत कठिन होता था, लेकिन अभी एपीसी और एनपीसीएल के मदद से उन्होंने लोखंड की सीढ़ी बनाई है तो लोग चढ़ सकते हैं आसानी से. हमारे जैसे बुजुर्ग जो मैं तो 67 ईयर का एज हूँ, अभी भी मैं जा सकता हूँ वहाँ से. ये तो मेरी चौथी बार मेरी विजिट हो रही है. तो ऐसा प्रचलन में है कि बहुत पहले ब्रिटिश के जमाने में एक बोट को दिशा नहीं मिल रही थी तो वो बोट समुंदर में भटक गई थी. तो इसी दिन यहाँ पे जो जोत जली, उस जोत के आधार से वो कारवार के तट पे आ गई और अपने को सुरक्षित पा गई. तो इसके लिए उस समय से गवर्नमेंट से भी इस मंदिर को धन मिलता है और तेल का डब्बा वगैरह गवर्नमेंट देती है और एक गवर्नमेंट से मतलब डीसी ऑफिस से उनका मुलाजिम आके इस आज का जो विधि होती है उसका सब कुछ वो देखभाल करता है. इतना बहुत पुराना इसका एक प्रचलित एक कहानी भी है. और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो साल में एक ही बार ये मकर संक्रांति के तुरंत जब ये सूरज का जो दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश होता है तभी यहाँ पे पूजा होती है और बहुत श्रद्धा से आना होता है. शिखर पे कोई औरतों को अलाउड नहीं है जैसा शबरीमले में होता है, वैसा नहीं है यहाँ पे. तो किसी भी औरतों को अलाउड नहीं है. कठिन है रास्ता और रात को जैसे भी पल्लकी से जो भगवान की मूर्तियाँ आती है, भगवान आते हैं तो श्रृंगार होता है और फिर एक रात में 9 पूजा होती है 10 बजे के और लोगों को मनोरंजन के लिए रात भर जगने के लिए यहाँ पे एक
ड्रामा या फिर जो क्या बता देंगे यक्षगान भी होता है, तो यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं तो उसका मन्नत पूरा होता है ऐसा कहा जाता है, और बहुत लोग आके मन्नत अपनी पूरी करती है, तुलाभार करते हैं अपने वजन के हिसाब से धन धान और देते हैं, और जो बच्चे के लिए मन्नत मांगते हैं उनके लिए बच्चे का प्राप्ति होने का जैसा ही तो फल मिलता है तो वहाँ के मन्नत पूरी करती है, शादी के लिए मन्नत मांगते हैं, जो भी कष्ट होता है तो मन्नत मांगते हैं और वो मन्नत पूरी हो जाती है, तो बहुत श्रद्धा का स्थल है, लेकिन उतना ही उसमें हर एक आदमी को अपना संयम रखना है और श्रद्धा से आना है। यहाँ पे कोई मांस मच्छी नहीं खाना होता है, कोई दुर्व्यवहार नहीं करना होता है, ऐसा यहाँ के जो एक आचरण है वो सभी पालना है, अगर कोई उसमें से गलत करता है तो कभी कभी उनको तकलीफ होती है ऐसा कहा जाता है। तो मैं अभी 4 साल से ये तो मेरा चौथी बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आते वक्त बहुत कठिन है, करीबन 3 किलोमीटर जो एक टप्पा है बहुत कठिन रास्ता है, उसके आगे भी बहुत कठिन रास्ता है, मैं अभी तक तो 20 बार शबरीमला जा चुका हूँ, लेकिन ये पूरा जो अभी प्रवास करते हैं यहाँ से शिखर तक मुझे लगता है कि उससे भी थोड़ा कठिन रास्ता है, तो श्रद्धा है तो आप किसी चीज़ को पूरा कर सकते हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, बहुत जागृत स्थल है, सभी इसका अपने अपने लिए अपने भगवान से मांगे और उसका फल प्राप्ति करें ऐसा मेरा इच्छा। सो गाइस, अभी जो थोड़ी बहुत स्टोरी सर ने सुनाई तो वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। सो फिलहाल के लिए यहाँ पे चंदन है और भाई तुझे नाम किधर? सो भरत यहाँ पे कुछ उसके मन की बात बोलना चाहता था तो वो भी सुनेंगे। मेरा ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने लोग होंगे, बट काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पे उतना व्यवस्था नहीं, फिर भी लोग मज़े कर रहे हैं अपनी भक्ति और श्रद्धा से आए हैं, तो देख के अच्छा लग रहा है, और हम लोग छोटा सा कैंप फायर भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब मज़ा आ रहा है और होपफुली नेक्स्ट टाइम भी आना होगा यहाँ पे। गाइज ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आया, तो जैसे कि यहाँ पे अभी लास्ट जब मैं आया था तभी यहाँ पे लाइट्स नहीं थी, अभी फिलहाल के लिए जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ पे आ चुका है तो अच्छा लग रहा है, और जैसे कि नीचे जो टॉयलेट्स वगैरह है वो भी अच्छी तरह से बनवाए हैं गवर्नमेंट ने, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे इस पोर्शन तक जो लेडीज़ है उनको अलाव है, लेकिन यहाँ से जो अप पोर्शन जो ऊपर तक जाता है जहाँ पे 5 पांडव आए थे और वहाँ पे उनका एक घर है, तो वो देखने के लिए लोग बहुत सारे जाते हैं, लेकिन लेडीज़ को अभी वहाँ पे अलाव नहीं है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी, तो फिलहाल के लिए कल सुबह जस्ट जेंट्स लोग ही जाएंगे टॉप साइड पे, और वहाँ पे जो पूजा होगी वो भी मैं शूट करूँगा जितना हो सके। मैं एक शूट करने के लिए भूल गया था, जैसे कि यहाँ पे खाने के स्टॉल्स है तो और छोटे छोटे शॉप्स भी है जो खिलौने और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेची जा रही है, तो वो आपको एक शूट दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे तुलाभार होगा, जो कि तुलाभार बोले तो जैसे हम कुछ मन्नत मांगते और हमारी मन्नत पूरी हो जाने के बाद यहाँ पे तुलाभार किया जाता है, जो कि लोग जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले मुझे, तो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस और जो एक्चुअल रियलिटी हुई है वो हमारे साथ शेयर की, तो उन्होंने ये बोला कि ये लोगों को बताओ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो जैसे कि किन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, तो वो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और उनकी मन्नत पूरी हुई, थोड़े बहुत लोग 2 साल तक आए, थोड़े लोग 5 साल तक आए, लेकिन फाइनल में जो रिजल्ट चाहिए था वो उनको मिला, और जो उनके मन में था वो भगवान को तुलाभार के रूप में दिया जाता है, जैसे कि अभी एक जो बच्चा है
उसका वेट रहेगा, तो वो बच्चे को यहाँ पे लाया जाता है और उसका वेट के हिसाब से कुछ ना कुछ चावल नहीं तो ऑयल जैसे तेल और कुछ भी नारियल जो शियाड़े बोलते हैं हम यहाँ पे, तो वो अलग अलग उनकी इच्छा है वैसे वो लोग देते हैं, तो वो होने वाला है यहाँ पे। श्रद्धा होनी चाहिए और जैसे कि लोग यहाँ पे बिलीव करते हैं। आई होप सो कि आपको भी ये थोड़ी बहुत स्टोरी मालूम होगी, और जिनको मालूम नहीं है तो कभी आपका भी मन कर रहा है तो यहाँ पे आइए और मन्नत मांग के देखिए, पूरी हुई तो आपको भी बिलीव होगा। तो गाइस फिलहाल के लिए चलिए, मैं एक नीचे शूट आपको दिखाता हूँ जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे, शॉप्स लगे, तो वो देखते हैं। तो फिलहाल के लिए वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो चलिए। सो गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह के बज रहे 7:30, तो सुबह 6 बजे से मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना शूट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं हूँ टेंपल के यहाँ पे, सो यहाँ से अभी मैं शिरवे गुड्डा का जो टॉप साइड पिक है, जो अराउंड जैसे यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने बोला था जो सी लेवल से इसकी हाइट है 1600 फीट। तो जैसे कि सुबह हम मीन शाम को हम कल वहाँ से निकले थे ग्राउंड साइड से, तो अराउंड 45 मिनट्स लगे थे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है वो मैं देखूँगा। और मैं यहाँ पे मॉर्निंग में रुका था क्योंकि मुझे यहाँ का जो सुबह का जो व्यू था वो शूट करने का था। लास्ट जब मैं आया था तभी मैं अंधेरे में टॉप साइड पे गया था, तो सुबह नीचे आते आते यहाँ पे सब खाली हुए थे लोग, तो इसका जैसे यहाँ का व्यू शूट करने को मिला नहीं था टेंपल का भी। तो जितना हो सके मैंने शूट करके लिए आए, और आई होप कि अभी आपने जो व्यू देखा वो आपको अच्छा लगा रहेगा, दर्शन भी भगवान के अच्छे मिले रहेंगे। और गाइस ये चैनल पे आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसी के साथ लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो फिलहाल के लिए मैं इस रूट से अभी टॉप साइड जा रहा हूँ, वहाँ से व्यू देखता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे तो सनराइज़ का व्यू शूट करने को नहीं मिलने वाला क्योंकि ऑलरेडी सनराइज़ हो चुका है, और ये बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग यहाँ से
तो वहाँ से कितनी खूबसूरत दिखती है वो कैमरा में कैप्चर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ और देखता हूँ यहाँ से जाते जाते जो फॉरेस्ट जंगल का व्यू कैसे मिलता है। तो अभी कितनी ट्रेकिंग करनी है, कितनी हाइट है, तो वो जाते जाते मालूम ही होगा।